तो हाल फिल्म में दोस्तों अभी फिर से एक बार दिखा जा चुका है रॉयल एनफील्ड के ही शॉटगन 650 वाले मॉडल को। और वैसे भी दोस्तों ये जो मॉडल है ना, तो इसको आज से बहुत दिनों पहले भी बहुत बार दिखा जा चुका है, लेकिन हाँ अभी एक क्लियर सा वीडियो सामने आ चुका है कि ये जो बाइक है ना, तो ये देखने में एग्जैक्टली किस तरीके का होने वाला है। मतलब क्लियर जो है ना, तो वो आपके सामने ही है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम लोग इसी न्यू बाइक के ही बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी फिर से एक बार दिखा जा चुका है रॉयल एनफील्ड के ही अपकमिंग रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 वाले मॉडल को। और जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो मॉडल है ना, तो ये एकदम ही के जो क्लियर तरीके से कुछ एक वीडियो के साथ में जो है, तो वो अभी सामने आया है। और वैसे भी इस वाले वीडियो के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये जो बाइक है ना, तो ये देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये मतलब एकदम ही रेडी हो चुका है लॉन्च होने के लिए। और हाँ, इसके अलावा इस वाले बाइक का ही लॉन्च डेट के बारे में भी जो अभी कुछ बातें चल रहा है ना, तो वो है कि इस वाले बाइक को जो लॉन्च करेगा रॉयल एनफील्ड कंपनी, तो वो पहले बात तो भाई इसी इंडिया के अंदर होगा, लेकिन भाई पहले जो है ना, तो वो दूसरे देशों के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा भाई इस वाले बाइक के बारे में भी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि ये जो बाइक है ना, तो ये इसी ईयर में तो भाई लॉन्च होगा नहीं। मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो है ना तो लोगों का, तो वो है कि 2024 के जो शुरुआती महीना होगा, तो उसके अंदर अंदर ये जो बाइक है, तो ये लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में और साथ ही साथ ग्लोबली भी। और हाँ, इसके अलावा इस वाले बाइक के बारे में भी कुछ ये भी बोला जा रहा है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो वो BS6 फेस 2 वाले के नॉर्म्स के साथ में ही आएगा। मतलब कि BS6 फेस 2 वाला जो एमिशन नॉर्म्स है, तो उसके ही साथ में आएगा। तो इसका मतलब इस वाले बाइक के अंदर आपको OBD2 सेंसर से लेकर और भी कई सारे कुछ जो चीजें हैं, तो वो भी देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको ये जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो ये भी एक पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 47 BHP। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, तो वो है 52 NM। और इसके अलावा आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है, तो वो भी देखने को मिलेगा इसी वाले इंजन के साथ। इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो इंजन ना, तो ये एक 650cc वाला ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको ये इंजन को छोड़ के भी ना एक और भी चीज देखने को मिलेगा, जो कि भाई देखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा इस वाले बाइक के साथ। और वो है कि इस वाले बाइक का ये हेडलाइट वाला सेटअप, मतलब कि भाई रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से फाइनली अभी सभी बाइक्स के अंदर, मतलब लगभग सभी बाइक्स के अंदर अभी अपडेट दे दिया है ये जो LED हेडलाइट सेटअप है। जो इसका मतलब कि इस वाले बाइक के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा हेडलाइट वाला सेटअप, मतलब हेडलाइट और टेल लाइट जो है इस वाले बाइक का, तो वो आपको LED लाइट्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, टर्न इंडिकेटर्स जो है, तो वो आपको हैलोजन वाले बल्ब्स के ही अंदर अंदर देखने को मिलेगा, मतलब बल्ब्स के ही अंदर अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कॉस्ट कटिंग का एक बहुत ज्यादा बढ़िया वाला सीन है जो भी है। लेकिन हाँ, इस वाले बाइक के अंदर ये कॉस्ट कटिंग तो इस तरीके का हुआ। लेकिन हाँ, इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर एक और भी चीज देखने को मिलेगा, जो कि है इस वाले बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो डिस्क ब्रेक के साथ साथ ये ड्यूअल चैनल ABS वाला जो सेटअप है, तो यही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो एलॉय व्हील्स है, तो ये भी कुछ दिया गया है। वैसे भी इस वाले बाइक के अंदर ये एलॉय व्हील्स के साथ इस वाले बाइक का जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये देखने में सच में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है इसी बाइक को लेके। और हाँ, इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर जैसे ही देख ही सकते होंगे जो सस्पेंशन सेटअप भी जो दिया गया है, तो वो है इस वाले बाइक का सामने USD फोर्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी इस वाले बाइक के अंदर एक और भी चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि है इस वाले बाइक का ये मीटर कंसोल स्प्लिट वाला, जो कि देख ही सकते होंगे देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत तो है। और हाँ, ये स्प्लिट टाइप के ही अंदर ये जो एक मीटर कंसोल का सेटअप है ना, तो इसके अंदर आपको जो ये पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला जो एक मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो ये एक ट्रिपल नेविगेशन वाला मीटर कंसोल है। मतलब कि इसके अंदर आपको ये जो नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो सीन है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा टाइम वगैरह जो है, तो ये भी कुछ दिखा देगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको BS6 फेस 2 जो एमिशन नॉर्म्स है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इसी डिजिटल वाले मीटर कंसोल के ही बाजू में जो एक और मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि सेमी डिजिटल वाला होगा, तो उस वाले मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो BS6 फेस 2 के ही अंदर अंदर जो कुछ सेंसर्स है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भाई ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और ये जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है, तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भाई इस वाले बाइक के अंदर ये मीटर कंसोल के भी अलावा एक और भी चीज देखने
देखने को मिलेगा जो कि है इस वाले बाइक का ही। ये पीछे के टायर के दोनों तरफ देखने को मिलेगा एग्जॉस्ट पाइप और एग्जॉस्ट व्हील, जो कि देख के तो भाई इस वाले बाइक के साथ बहुत ज्यादा बढ़िया तो लग ही रहा है। और हाँ, इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको एक और भी चीज देखने को मिलने वाला है जो कि है इस वाले बाइक का ये जो राइडिंग स्टाइल है ना, तो वो जैसे कि देख ही सकते होंगे एकदम सीधा बैठ के ही चला रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।